हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टुडे टॉपिक वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। स्ट्रेटेजी, ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लानिंग, मेकिंग बिजनेस प्लान, फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग, दिस ऑल फैक्टर्स कंसर्न इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लानिंग। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस प्लान बना रहे हो, यू आर टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रैक्टिसेस। आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस से जो भी रिलेटेड डिसीजंस है आप वो ले रहे हो। ठीक है, यू आर डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फाइंड आउट योर एग्जिस्टिंग पोजिशन, अकॉर्डिंग टू दैट बेस यू आर मेकिंग प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड फॉर्मुलेट अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल डेटा एंड implementation evaluation of controlling, that is for achievement of your goals of the organization, that is strategic management। तो वो क्या है, strategic management है भाई। मुझे कोई भी अपने कोई भी मेरी desired expectation है future के लिए, कोई desired position है, या simply हम कहें मेरे goals हैं, मुझे अपने goals को achieve करना है। अब मुझे अपने goals को achieve करना है तो मैं क्या करूँगा, उस पर काम करना शुरू करूँगा। कैसे मुझे अपने गोल तक जाना है, कैसे अचीव करना है, मैंने ऑब्जेक्टिव्स सेट करे। अब मुझे किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने क्या करी, प्लानिंग करी, डिसीजन मेकिंग करी, और उसके बाद प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी बना ली। ठीक है, अब उस स्ट्रेटेजी पे मैं काम करता हुआ अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर रहा हूं और फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूं। तो वो क्या है, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स। जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें सारे फैक्टर ही कंसीडर करने होते हैं, चाहे हम हार्ड एलिमेंट्स की बात करें, चाहे हम सॉफ्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड एलिमेंट। हार्ड एलिमेंट में फर्स्ट वन है स्ट्रेटेजी। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू विन मार्केट प्लेस, हाउ विल इट गेन टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन को फाइंड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रॉपरली एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन को फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू विन द मार्केट प्लेस, उसके हिसाब से फिर अपने लिए क्या करूँगा, प्लान बनाऊंगा, ताकि मैं मार्केट को प्रॉपरली अपने मार्केट को भी कवर अप कर लूँ और अदर जो मेरे कस्टमर हैं उनके ट्रस्ट को भी मैं जीत लूँ, मेरी कस्टमर की लॉयल्टी भी वहाँ पे बरकरार रहे, मेरी रेपुटेशन भी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू विन द मार्केट प्लेस, हाउ विल इट गेन टू कंपेटिटिव एडवांटेज, और कैसे आप उस फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हो। तो वो है आपका क्या, स्ट्रेटेजी, कि आप क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। सेकेंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक तरीके से हार्ड एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग स्ट्रक्चर होता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश होती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग है, प्रॉपर हो। ठीक है, और सिंपल तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपने बना रखा है पूरा स्ट्रक्चर, जहाँ बहुत सारे हायरार्की है, बहुत सारे मिडिल लेवल बने हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारा एक तो कॉस्ट भी कंज्यूम होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है, मैसेज की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जहाँ पे वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और हार्ड एलिमेंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट रिसोर्सेज पीपल
मशीन मनी एट्सेट्रा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आपने फिर उन रिसोर्स को एलोकेट किया हुआ है जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चाहे हम मशीन की बात करें, चाहे मेथड की बात करें, चाहे मनी की बात करें, आप क्या करोगे, हर चीज़ का प्रॉपरली एलोकेशन करोगे ताकि हर टास्क को आप इजीली कंप्लीट कर सकें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें और अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के बाद सेकंड वन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद है सिस्टम, प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज़, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, यानी हम कहते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम है, तो सिस्टम में हमने क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है, क्या हमारी पॉलिसी बनी हुई है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अलग सिस्टम होता है, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, रूल्स एंड रेगुलेशन तो हमें सबको इक्वली फॉलो करने हैं। जैसे सपोज हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, अब फैक्ट्री चला रहे हैं तो हमें क्या करना है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के सारे ऑब्लिगेशन पूरे करने होंगे, जो भी फैक्ट्री चला रहा है सबको ही करनी है, लेकिन कैसे करने हैं ये हमारा सिस्टम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर कि भाई जो भी ऑब्लिगेशन है उनको कब किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो थर्ड वन हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम की, प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय द पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टूल दे आर यूज टू हेल्प देम विद द दोस प्रोसेस। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टम की। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एक सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा होता ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में पूरा पढ़ा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो उनका सिस्टम अलग होता है, सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो क्या है, सिस्टम है। भाई स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, सिस्टम भी रेडी करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉफ्ट एलिमेंट में हम बात कर रहे हैं स्टाइल, दिस इज द वे ऑर्गेनाइजेशन डज दिस थिंग बीइंग कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्टाइल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जैसे सपोज हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव टर्म्स को यूज करते हैं जो आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं स्टाइल की। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे कन्वीनियंट पॉइंट्स आ गए हैं जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आपने क्या करा, नए नए स्टाइलिश फैक्टर्स को वहाँ पे यूज़ करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको विजिट करे, आपको देखें, तो एक तरीके से स्टाइल। सेकंड वन है स्टाफ, एम्प्लॉयज़ हाउ दे ग्रो एंड दे डेवलप, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू वॉन्ट टू डू समथिंग इनोवेटिव देन यू हैव टू रिक्वायर्ड इनोवेटिव स्किल्स ऑल्सो, तभी आप उन चीज़ को पूरा कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं शेयर वैल्यूज एंड कल्चर, आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या कल्चर है आपका, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हमने बात करी हार्ड एलिमेंट्स की और सॉफ्ट एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एलिमेंट्स पूछे जाते हैं तब भी आपको इन सारे एलिमेंट्स को ही पूरा लिखना होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर वैल्यूज़। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।